नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट किस फैमिली में। उत्तर प्रदेश में डीएलएड 2018 बैच के थर्ड सेमेस्टर और डीएलएड 2019 बैच के फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा पीएनपी के द्वारा कब आयोजित की जाएगी, पूरा डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो यदि आप भी इन दोनों बैच से रिलेटेड हैं और अपनी सेमेस्टर परीक्षा का वेट कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था कि फरवरी माह के अंतिम सप्ताह या फिर मार्च माह के प्रथम सप्ताह में डीएलएड 2018 बैच के थर्ड सेमेस्टर और 19 बैच के फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा एक साथ आयोजित कराई जा सकती है पीएनपी के द्वारा। दोस्तों, आज दिनांक 4 फरवरी 2020 को भी पीएनपी कार्यालय पर दोनों बैच के रिप्रेजेंटेटिव्स उपस्थित थे सेमेस्टर परीक्षा तिथि घोषित कराने के संदर्भ में। आज भी पीएनपी के द्वारा यह प्रतिबद्धता जाहिर की गई है कि मार्च माह के प्रथम सप्ताह में दोनों बैच के सेमेस्टर एग्जाम एक साथ आयोजित कराए जा सकते हैं। दोस्तों, फरवरी माह में एग्जाम ना हो पाने का पीएनपी के द्वारा मुख्य कारण यह बताया जा रहा है कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ होने की वजह से अभी एग्जाम सेंटर्स खाली नहीं हैं। अब एक बार प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि कब तक एग्जाम होना प्रस्तावित हो सकता है। स्क्रीन पर आप मार्च 2020 का कैलेंडर देख पा रहे होंगे। दोस्तों, दिनांक 6 मार्च 2020 को यूपी बोर्ड की अंतिम परीक्षा समाप्त हो रही है, यानी कि 6 मार्च के बाद ही डीएलएड की परीक्षाएं प्रारंभ हो सकती हैं पीएनपी के अनुसार। अब दोस्तों, दिनांक 10 मार्च 2020 को होली है, यानी कि 6 तारीख के बाद और 10 के बीच में आपको सिर्फ 2 वर्किंग डे मिल रहा है, 7 और 9, यानी कि इस डेट तक भी डीएलएड की परीक्षाएं नहीं कराई जा सकती हैं। यानी कि अब आप मान के चलें कि डीएलएड 2018 बैच के थर्ड सेमेस्टर और 19 बैच के फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा जब भी होगी वह होली, जो कि 10 मार्च 2020 को है, उसके बाद ही हो सकती है। दोस्तों, जब भी पीएनपी किसी दो बैच की परीक्षाएं आयोजित करता है तो एक सप्ताह में 3 दिन एक बैच की परीक्षाएं होती हैं और अगले 3 दिन दूसरे बैच की परीक्षाएं होती हैं। अब अगर 10 के बाद 11 से भी परीक्षा शुरू की जाती है तो यहाँ पर 6 दिन लगातार नहीं मिल रहा है, तो पीएनपी का पूरा फोकस इस समय दिनांक 16, 17, 18, 19 और 20 और 21 पर होगा कि इन्हीं तिथियों पर दोनों बैच के 3-3 दिन सेमेस्टर एग्जाम पीएनपी के द्वारा आयोजित कराए जा सकते हैं। दोस्तों, आप लोग का क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।